हेलो मेरे प्यारे लवली फूडीज, कैसी हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिंडे की सब्जी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं कि टिंडे की सब्जी कैसी बनती है। टिंडे की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम टिंडे लिए हैं। इनको मैंने धो के छील कर अच्छे से साफ कर लिया है और मैंने इस तरह से इसको पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया है। सब्जी बनाने के लिए मैंने छोटा सा मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको भी हमने बारीक साइज में काट लिया है। ये हमने एक हरी मिर्ची ली है और ये हमने 4-5 लहसुन की कलियां ली हैं, जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाला है। तो अभी सबसे पहले हम टिंडे को फ्राई करेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम टिंडे डाल देंगे और टिंडे को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। टिंडों को हल्का सा 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। टिंडे की सब्जी फ्राई करके बनाने से टिंडे की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस तरह से एक बार टिंडे की सब्जी जरूर ट्राई करें, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप मॉर्निंग में या ब्रेकफास्ट में या आप लंच के लिए सुबह जल्दी जल्दी सब्जी बना रहे हैं, तो हल्का सा इसे 2 मिनट के लिए टिंडे फ्राई कर लें, इसे सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमने टिंडों को 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम टिंडों को निकाल लेते हैं। ये हमने टिंडों को निकाल लिया है। अब हम सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल फिर से डालेंगे। तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ 2 चम्मच ऑयल का यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमने टिंडे को फ्राई किया था तब भी ऑयल यूज किया था। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, 1 पिंच हींग डाल देंगे और ये लहसुन की कलियां डाल देंगे। हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम प्याज भी ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची भी डाल देंगे। हरी मिर्ची और प्याज को साथ में अच्छे से लहसुन के साथ में अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा छोटा कट करके इसको यूज किया है सब्जी में। इसे बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम ये टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें जो हमने टिंडे फ्राई किए थे वे डाल देंगे। ये हमने फ्राई किए हुए इसमें टिंडे डाल दिए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची। मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारी सब्जी में से। अब इस सब्जी में हमें पानी नहीं डालना है, बस हल्का सा इसके ऊपर डाल के हल्का सा इस तरह से, बस हमने इसमें से मुश्किल से 1
चम्मच पानी डाला है। इसमें पानी नहीं डालना है, पानी का यूज नहीं करना है बिल्कुल। इस सब्जी को हम ऐसे ही पकाएंगे। तो अब इसको हम ढक देंगे और ढककर धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। एक बार हम इसे बीच में खोल कर चला देंगे सब्जी को। ये हम सब्जी को थोड़ा सा इसको चला देते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देंगे। सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारी टिंडे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी टिंडे की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन की बटन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।